तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो में। अपना थम्स अप आ चुका है तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें। सो गाइस, हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अपने लास्ट फॉर्म में ना आ जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी। तो गाइस, आज हम ये देखेंगे कि आखिरकार कोका कोला को उबालने के बाद लास्ट में क्या बचेगा। सो गाइस, हमारा थम्सअप जो है वो लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है ये। थोड़ा सा और उबालेंगे फिर देखते हैं क्या बचता है इसके फॉर्म में। एकदम गाढ़ा है अभी तो। अब सत्या टेस्ट करके देखा गया इस थम्सअप को, कैसा है आखिरकार इसका टेस्ट। अरे जलेगा। अरे मुंह में करना भाई। कैसा है टेस्ट, कैसा है बता। कोक का स्वाद चला गया है। हाँ, किसका स्वाद है? और लगभग हल्का हल्का है एकदम, नाम मात्र, बाकी सिर्फ कलर कलर बस बाकी है। हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, तो टेस्ट कैसा था वो तो बता दे जरा। लगभग चॉकलेट वाला जो कोक आता था ना, थम्सअप का कोक आता था, चॉकलेट आता था, सेम वही आ रहा है। थम्सअप का चॉकलेट? हाँ, थम्सअप वाला चॉकलेट आता था ना। अबे चुप है कुछ भी। अबे चल चल सुन ना ज्यादा। रुको रुको गाइस, हम लोग इसे थम्स अप कैंडी बनाएंगे फिर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब रंजीत भाई टेस्ट करने वाले हैं अपना, तो करना, परेशान हो गए हम लोग। तो हमारा थम्स अप जो है पूरी तरीके से उबल चुका है और ये प्लास्टिक जैसा पदार्थ बन गया। जैसे हम आग में प्लास्टिक को जलाते हैं, जो जो काला काला दिखता है ना, वैसी सेम। अब देखते हैं इसको टेस्ट करके देखेंगे छोटा मोटा। वैसे तो ये पूरा पूरा हार्ड मटेरियल बनने वाला है। जल्दी से इसको एक कटोरी में निकाला जाए। ये तो जम गया अभी, ये जम गया। हाथ से निकाल देंगे, बहुत गर्म। ये डामर जैसा पूरा बन चुका है गाइस। इसको टेस्ट करेगा करण, उसका रिएक्शन बाद में दिखाएंगे। आग में सुखाने के बाद देखिए इस तरह से काला काला ब्लैक जैसा चीज मिलता है। रुको, इसका टेस्ट भी कर लेते हैं। मीठा इसमें का पूरा खत्म हो चुका है। तो गाइस, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।